दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके ज़मीन में आपके ज़मीन के रजिस्ट्री में खेसरा नंबर गलत लिखा गया है तो फिर इस सूरत में क्या होगा। दोस्तों कई लोगों का यह शिकायत होता है कि उनका ज़मीन का रजिस्ट्री तो हो गया है लेकिन रजिस्ट्री का पेपर में उनका खेसरा नंबर गलत हो गया है। और यहाँ पर उनका कहना यही होता है कि जो खेसरा नंबर गलत हुआ है वह माइनर मिस्टेक हुआ है, जैसे कि अगर वहाँ पर 2528 होना चाहिए था तो फिर मिस्टेक के वजह से 2529 हो गया है। तो क्या इन छोटी गलती को इग्नोर करना चाहिए या फिर इसे ठीक करा लेना चाहिए? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ठीक करा लेना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि खेसरा नंबर ज़मीन के रजिस्ट्री के पेपर में कैसे ठीक होगा। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि अगर रजिस्ट्री के पेपर में खेसरा नंबर गलत लिखा हुआ है तो फिर आपको निश्चित ही दाखिल खारिज होने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, अगर ज़मीन का रजिस्ट्री का पेपर में खेसरा नंबर गलत मेंशन है तो फिर आपको दाखिल खारिज कराने में भी परेशानी आएगी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर किस प्रकार से जो खेसरा नंबर है वह रजिस्ट्री के पेपर में सही होगा। दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्री करा लिया है और फिर रजिस्ट्री होने के बाद आपको पता चलता है कि जो खेसरा नंबर रजिस्ट्री के पेपर में मेंशन है वह गलत है, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर अब कोई उपाय नहीं है, आपको फिर से रजिस्ट्री कराना होगा। जी हाँ, जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री किया है आपको उससे मिलकर फिर से ज़मीन का रजिस्ट्री कराना होगा और पहले वाला जो रजिस्ट्री का पेपर है जिसमें कि खेसरा नंबर गलत मेंशन किया हुआ है वह कैंसिल हो जाएगा और आपको फ्रेश फिर से ज़मीन का रजिस्ट्री सही खेसरा नंबर के साथ कराना होगा, तभी आपका दाखिल खारिज भी हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ज़मीन का रजिस्ट्री के पेपर में खेसरा नंबर गलत मेंशन हो गया है तो फिर आपको इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल को इसकी वजह से दाखिल खारिज होने में भी दिक्कत आएगी। तो फिर आप बिना समय गंवाए हुए आप फिर से रजिस्ट्री करा लें, यह आपके लिए सही रहेगा और फिर आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है और लोगों के काम भी आ सकती है तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।